अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आपके साथ सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन के पेज से। हम आज आपको ईगल पॉइंट के अंदर क्रॉस सेक्शन ड्रा करने के बारे में बताएंगे। इसके चार पांच प्रोसेस है, एक्सैक्ट क्रॉस सेक्शन करना, उसका टिपिकल सेक्शन बनाना और प्रोसेस साइड्स स्लोप्स और क्रिएट उसकी शीटिंग। तो उसके लिए हम ईगल पॉइंट के अंदर चलते हैं, देखें। ये जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो तीन चार वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, चार वीडियो, ये उस सिलसिले की पांचवी वीडियो है और स्टेप बाय स्टेप आपको सारा बता रहे हैं। और इसमें आप आ जाएं और ये क्रॉस सेक्शंस के बारे में हम आपस को अभी आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे सारा, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम्स ना आए। तो उस सिलसिले में हमारा आप पेज, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अपडेट्स आपको इस सिलसिले की सारी मिलती रहे। इसके बाद हम आपको और भी यूज़फुल वीडियो के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं टॉपिक के बारे में। क्रॉस सेक्शंस, जैसे कि आप बाकी मैनुअल बनाने पड़ते हैं, मैनुअल में बहुत टाइम लगता है, आपको मैं ईगल पॉइंट के अंदर ये बताऊंगा। और इसमें आप जस्ट 15 से 20 मिनट 25 मिनट के अंदर अंदर आप इसमें सैकड़ों की तादाद में क्रॉस सेक्शन वन टाइम क्लिक के अंदर अपने बना सकते हैं, और ये आपको उसकी क्वांटिटी और बाकी चीज़ें भी कैलकुलेट करके देगा। तो इसमें सबसे पहला ये हमारे पास मैनेज सरफेस है, इसको हमने क्लिक करना है, इसके अंदर जाना है। देखें, ये ओरिजिनल सरफेस के ऊपर ये हमें बता रहा है, ये इसने टेबल बनाया हुआ। उसके बाद हम आ जाएंगे इधर डिज़ाइन के अंदर, और एक कॉलम हम न्यू सरफेस का इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसको हम अपना उसको नाम PGL प्रपोज ग्रेड लाइन या FRL, जो आपका डिज़ाइन लेवल का नाम चल रहा है उसका आप नाम लिख के उसको अप्लाई कर दें। देखें, ये हमारे पास ये इसकी दोनों सरफेस की क्रिएट हो गई हैं, एक NSLs की और एक PGL और FRLs। तो इसके बाद नीचे आ जाएं, इसमें ये दूसरे नंबर पर कॉलम है एक्सट्रैक्ट क्रॉस सेक्शन है, तीसरे और दूसरे नंबर पर कॉलम है एडिट क्रॉस सेक्शंस डेटा। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें ये हमारे पास अभी खाली है, मैं भी आपको एक्सट्रैक्ट करके बताऊँगा। और इसके अंदर ये सारे NSLs फ़ौरन ही ये ड्रा करके ले आएगा। ये देखिए, ये हमारे पास दो सरफेस बनी हुई हैं, डिज़ाइन और PGL। पहले हम NSL एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो उसके अंदर आ जाएंगे, उसके बाद हम टिपिकल क्रॉस सेक्शंस और बाकी बनाएंगे, तो उसकी डिज़ाइन सरफेस भी हमारे पास इसकी आ जाएगी। तो ये तीसरा कॉलम है उसके अंदर एक्सट्रैक्ट क्रॉस सेक्शंस का, आप उसको क्लिक करें। ये देखें, ये हमारी जो सरफेस मॉडलिंग के अंदर हमने कंट्रोल ये आपको नज़र आ रही है, ये बनाई हुई है सारी, और इसके अंदर से ये अपने लेवल्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा स्टेशन 0+00 से लेके 1+626.778 तक। अभी इसमें से पहला कॉलम है, ये आपको स्टेशन इंटरवल के बारे में पूछ रहा है कि आप कितने कितने इंटरवल के ऊपर क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो हम इसको 25 मीटर्स के ऊपर कर देते हैं। कर्व स्टेशन इंटरवल, कर्व का भी 25 मीटर्स ही है, और कर्व स्टेशन इंक्लूड है, यस। इक्वेशन स्टेशन वो भी यस है, स्क्यू एंगल वगैरह ये इसकी ज़रूरत नहीं है, हम 90 के ऊपर इसको बनाएंगे। तो इसमें एक देखा सिंपल सा मेथड, आपको इधर से आप ओके कर दें और ये आपके पास एक नया टेबल खुलेगा, जिसके अंदर ये आपसे पूछेगा कि आपने ये जो लेवल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सरफेस के, ये आपने किस में रखने हैं, FRL में या ओरिजिनल सरफेस में। तो ये हमारे NSLs हैं, तो ये हम इसको इसके लिए ओरिजिनल सरफेस को हम इसको क्लिक करेंगे और ये इधर से इसको हम देखें क्लियर कर देंगे। बाकी ये लेफ़्ट डिस्टेंस पूछ रहा है कितने मीटर, हम इसको 20 मीटर लेफ्ट साइड और राइट साइड 20 मीटर्स के अंदर। बाकी ये देखें, ये नीचे इसमें मार्क हैं सारी आईडियाँ 25-25 मीटर की, इसमें से हम जो सी आप हमें नहीं चाहिए उसको हम अनमार्क कर देंगे, वो हमारे पास नहीं आता। लेकिन हम क्योंकि चूँकि हम सारे बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर ये सारे आएंगे। बाकी इसकी ये सेटिंग है कि थोड़ी सी मॉडिफाई सेक्शंस वगैरह जो कुछ भी 0 RD कंट्रोल वगैरह इसकी आप इसमें देख लीजिएगा। एक इसमें ऑप्शन है बोल्ड लिस्ट का, इसके अंदर आप इसके जो हमने पीछे दिया था उसको भी हम इधर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो चूँकि हमारे पास वो अच्छा दे रहा है उधर मेन फ्रंट पे, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एक ऑप्शन है डिलीट एग्जिस्टिंग सेक्शन, जो आपके पास पहले बने हुए स्टेशन उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो उधर से करके और स्टेशन का नंबर दे के उसको कर सकते हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बाकी ये ऑप्शन है सेटिंग का, स्केल फैक्टर आप इधर देख लें, आप 1 का रखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल टॉलरेंस और वर्टिकल टॉलरेंस जो आप इसमें करना चाहते हैं वो कर लें। स्केल फैक्टर आप 2 का रखेंगे तो वो 2 के हिसाब से आपको बना देगा, 3 का रखेंगे तो 3 के हिसाब से। तो बाकी इसमें तो इसको हम देखें ओके करते हैं, आपके सामने इधर ये सारी लाइनें ड्रा हो जाएंगी जिसके ऊपर से वो
बताएगा कि जैसे हमने इसके NSLs उठा लिए हैं। ये देखें, ये उसने अपना प्रोसेस शुरू किया और ये देखें, ये सारी लाइन्स ये आपके पास आ गई हैं 90 के ऊपर के। हमें ये इस एरिए के, इस प्रोफाइल अलाइनमेंट के सारे लेवल्स NSLs के उठा लिए हैं। इसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं पहले कॉलम को अंदर, जो हमने आपको दिखाया था कि ये बिल्कुल खाली है। इसको आप क्लिक करेंगे, ये देखें ये पूरे इसके अंदर आ गए हैं एलिवेशन इसके 25-25 मीटर के, और इसके नीचे पूरी इसकी डिटेल भी आ रही है कि किधर किधर इसके स्लोप चेंज आएंगे, और इसके सब ऊपर से इसने लेवल्स इसके जनरेट किए हैं। लेकिन ये अभी 150 है, इसका हम इधर से व्यू देख लेते हैं, ये आपको इधर इसका व्यू भी दिखाएगा। ये देखें, ये 0+150 का NSLs है, और ये उसने उसके हिसाब से ही पूरा उसने एक्सट्रैक्ट किया है सारा, ताकि किसी किस्म की। तो इसके लिए अभी ये देखें, ये दो सरफेस हमने बनाई थी और डिज़ाइन FRL इसका, ये वाला नीचे वाला टेबल भी खाली है। वो आगे हम अभी इसका टिपिकल सेक्शन ड्रा करेंगे, और इसके अंदर ये मुकम्मल क्रॉस सेक्शन इधर से भी आपको क्लियर नज़र आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, एक अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये इम्पोर्ट वाला ऑप्शन है। अगर आपके पास NSL का डेटा मौजूद है एक्सेल के अंदर या किसी चीज़ के अंदर भी, तो आप इसको इधर से इम्पोर्ट करवा सकते हैं बिल्कुल इजीली, बगैर किसी एक्स्ट्रा वर्किंग की। इसमें ये आपको इधर से आपने फाइल सेलेक्ट करके, जो आपके पास फाइल बनी हुई है वो आपने इधर से इसके अंदर इधर से इम्पोर्ट करवा देनी है। और उसके बाद ये इसके ऑप्शन आएंगे, ये आपको उसका मेथड बता रहा है कि किस टाइप के एलिवेशंस आपको चाहिए होंगे। फार्मेट एग्जांपल आपको बताएगा, ये स्टेशन है, ये ऑफसेट है, और ये एलिवेशन आपकी जो फाइल होनी चाहिए क्रॉस सेक्शन की उसके मुताबिक होनी चाहिए। एक सिंपल सा फार्मेट जो हमारे पास चलता है स्टेशन और ऑफसेट का, स्टेशन ऑफसेट कॉमा ये, और दूसरा स्टेशन ऑफसेट। ये देखें, इसमें ये इस टाइप की आपके पास फाइल बनी होनी चाहिए, ये आपको उधर से उसका बता रहा है। ये स्टेशन होएगा 329.3.000 और एलिवेशंस की। इसमें आपके पास फाइल अगर बनी हुई है तो आप बना के, नहीं भी बनी हुई तो आप इसको इजीली एक्सेल के अंदर, तो कोई मुश्किल नहीं, आप उसको एक्सेल के अंदर बनाएं और बना के उसको टेक्स्ट फाइल के अंदर इंपोर्ट करा दें इसी फार्मेट के अंदर। ये आपको इसमें बता रहा है जो उसके फार्मेट होंगे उस हिसाब से। तो ये एक ऑप्शन, इसके अंदर आप इम्पोर्ट करवा के और अपना काम कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर ये देखें, हमारे पास प्रोफाइल इसकी पहले बनी हुई है, जो हमने लास्ट सेगमेंट में इसकी बनाई थी, इसकी पूरी डिटेल प्रोफाइल और प्लान जो हमने वो सारा कुछ इसका बनाया हुआ। तो अभी हम आगे आते हैं इसका अहम तीन सेक्शंस के अंदर, टिपिकल सेक्शन के अंदर। टिपिकल सेक्शंस का आपको पता है कि इसके बगैर रोड के क्रॉस सेक्शन नहीं बनते। ये देखें, इसकी ये पहली टेम्पलेट है, ये कि अभी खाली है, इसको हम अभी जनरेट करेंगे तो इसके अंदर डेटा सारा आ जाएगा। ये FRL है, और ये टिपिकल सेक्शंस के बारे में हमें बता रहे हैं कि हमारे पास अभी कोई भी नहीं है। उसको हम इधर से क्लोज करते हैं, मैंने टिपिकल सेक्शन वाले टेबल में जाते हैं, देखें तेरा हमारे पास अभी नहीं है। हम इसको इधर से न्यू में क्लिक करके और इधर इसका कोई भी नाम रख देते हैं, सेक्शन ए। ओके, ये हमारे पास आ गया, इधर से इसको भी हमने इधर से क्लोज कर देना है। उसके बाद दोबारा आना गया कंस्ट्रक्ट टिपिकल क्रॉस सेक्शंस के टेबल में। ये देखें, जो हमने पीछे बनाया था उसके मुताबिक ये हमारे पास ये तरह भी डिफाइन हो गया है इसका। और इसके अंदर ये इसका एक व्यू वाला कॉलम है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये विंडो खुल जाएगी, ये आपके सामने विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर के आपको ये बताया। ये मेरे पास पहले पुराना बना हुआ, उसको मैं इधर डिलीट कर देता हूँ। तो एक सिंपल सा मेथड, आप लाइन की कमांड लेके, और अगर आपकी रोड की विड्थ जितनी भी है जो उसका टिपिकल सेक्शन है, आप इसको इधर से मैनुअल बना लें। 10 मीटर में उसकी लेंथ दे देता हूँ, और उसकी जो क्रॉस स्लोप है, साइड क्रॉस स्लोप, उसके हिसाब से अभी 10 मीटर के ऊपर अगर 2% आया तो 0.50 मीटर वो उसने उसका कैम्बर होएगा। तो ये देखें, ये इसको इधर से मैं लाइन को लेके और उसके साथ मैं ज्वाइंट कर देता हूँ। ये हमारा कैम्बर का एक 10 मीटर के अंदर, हमारी कैम्बर स्लोप के अंदर ये हमारे पास ये बन गया है। तो उसके बाद ये दोबारा आते हैं, ये सेक्शन 1, और ये प्रिसीजन इनपुट है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक टेबल खुल जाएगा। इसके लिए ये देखें कि ये इसके अंदर से ये पॉइंट इधर बबल कर रहे हैं, इसको मैंने सेलेक्ट करना है इधर से, और इसका सेंटर लाइन इसको मैंने क्लिक कर देनी है। पीपी कोड को आप रहने दें अभी, उसके बाद मैंने दोबारा सेलेक्ट करना है। ये देखें, वो पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ और जॉइंट हो रहा है, और दूसरा जो आउट पॉइंट मेरा है उसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है।
ये देखें, ये मेरा इधर तक पॉइंट सेलेक्ट हो गया। इसके बाद बस हमें इसमें फ़िलहाल यही काम करना है, एक सिंपल सा हम फॉर्मेट इसका बना रहे हैं। इसके अंदर आप चूँकि अर्थवर्क की क्वांटिटी वगैरह निकालने के लिए वो हमारी सब ग्रेड से नीचे यूज़ होती है, तो इसके लिए आपका जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है रोड का, सब ग्रेड, वाटर बाउंड, इस्फॉल्ट वगैरह मिला के वो आप इससे माइनस करके और इससे नीचे आप इसकी लेंथ इसी तरीके से लगा सकते हैं। ऑफसेट अगर सपोज 0.50 सेंटीमीटर आपका सारा बनता है, तो मैं उसको 0.50 सेंटीमीटर नीचे लगा दूंगा, वो इधर से ही इसके क्रॉस सेक्शन को उठाएगा। लेकिन चूँकि अभी हम एक सिंपल सा फॉर्मेट इसका बना रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये कट एंड दूसरा ऑप्शन आएगा कट एंड फिल के लिए। देखें, ये पहला था, दूसरा ये आप कट एंड फिल दोनों के लिए हमारा ये सेक्शन यूज़ होएगा। ऊपर इसके कट की डिटेल है और नीचे इसके फिल की डिटेल है। अगर आपको ये इधर मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, ये देखें, ये सेक्शन आपको कट का बता रहा है और ये फिल का। तो हमने दोनों के अंदर सेम टू सेम फॉर्मेट रखना है ताकि हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना बने। ये पीटी कोड के पैलेस हैं, इसमें वो आपको बताएगा कि कौन से चाहिए आपको। इधर से आप नंबर वन पे इसका सेंटर लाइन का जो आपका है उसको आप सिलेक्ट करते हैं। इधर से उसने सेलेक्ट कर लिए, बस मज़ीद हमें देने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके बाद ये मिरर की कमांड आएगी कि जो हमने एक साइड पे बनाया ये सेम टू सेम दूसरी साइड पे। ये देखिए, ये मैं करता हूँ आपको, और ये आपकी दोनों साइडों के ऊपर ये आपका बन गया। ये देखें, नीचे फिल एरिया में भी और कट एरिया में भी दोनों तरफ ये आपका टिपिकल सेक्शन हिसाब से बन गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके पास डिफाइंड का, ये देखें डिफाइंड टिपिकल सेक्शन आ रहा है, इसको आप कर दें सेलेक्ट। ये एफ आर एल जो हमने बनाई थी उसको सेलेक्ट कर दें और इधर राइट क्लिक करके लेफ्ट कर दें और ओके कर दें। ये देखिए, थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और ये हमारा टिपिकल एक सेक्शन सिंपल सा एक इसमें जनरेट हो गया। अभी आप ये दूसरा देखें, ये शो टिपिकल सेक्शंस जो हमने डिफाइन किया है उसके बारे में ये इधर से बताएगा कि वाकई वो हो गया या नहीं। मैं क्लिक करता हूँ, वो देखें, वो अपनी कलर चेंज कर गया और इसमें उसने येलो कलर में उसने हमें बता दिया है कि वाकई जी आपका ये टिपिकल सेक्शन इधर से डिफाइन हो चुका है। इसको आप क्लोज कर दें इस सेक्शंस को, और इस पर वीडियो इसमें आ जाएँ एडिट टिपिकल सेक्शन डेटा जो हमने सबसे पहले देखा था उसमें। देखें कि पहले ये खाली आ रहा था, अब ये सेक्शन ए और एफ आर एल और इसमें 0, 0, 10 मीटर का हमने उसमें ऑफसेट लगाया था और 20 मीटर की हमने उसकी स्लोप सेट की थी, उसमें उसके हिसाब से ये मुकम्मल डेटा आ रहा है। ये कट वाला एरिया आएगा और ये आपका फिल वाला है, ये दोनों फिल हुए हैं आपके। इसको देखें, ये इसमें ये हमारा एक सिंपल सा बहुत मेथड था, ये क्लोज हुआ। और उसके बाद आ जाए व्यू टिपिकल ग्राफिक्स में सेक्शन ए, तो ये इसमें ये इसी ये देखें, ये इसमें ये हमें बता रहेगा कि ये आपका बन चुका है। इसके बाद आगे आ जाते हैं हम एडिट क्रॉस सेक्शंस के अंदर। अभी आप ये देख रहे हैं इसके अंदर कि ऊपर हमारे पास अभी तक हमने टिपिकल सेक्शन बना के डिफाइन भी कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा, तो उस सिलसिले के लिए हमारे पास सिंपल सा अभी हमने इसको प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके और इसको हम अभी हम उसमें कंप्लीट करेंगे आपके। ये देखें, ये तीसरी जो लाइन जा रही है इसमें, ये इसके एनएसएस की लाइन उसने दी है कि जो आपके साइडों के ऊपर वो आपको पूरा कर रहा है। तो ये आगे आते हैं प्रोसेस एसोसिएट अलाइनमेंट के अंदर, इसके प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। इसको आप न्यू में क्लिक कर दें, सुपर एलिवेशन। अभी ये देखें, इसमें आपकी अलाइनमेंट आपको नाउन दे रहा है, कुछ भी नहीं है, प्रोफाइल भी नहीं है और स्लोप भी आपकी अभी तक इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको भी हम बताते हैं आपको कि ये कैसे आपका फिल होएगा। प्रोसेस में आ गए, स्लोप लाइब्रेरी में आप चले जाएँ, क्योंकि जो हमने साइड स्लोप्स देनी है उसके बारे में ये पूरी डिटेल आएगी, 1:1, 1:2 का बराबर ये आपको बता रहा है इसका। तो इसको हमने कैसे फिल करना है, मैनेज इंस्टेंट टेबल, इसमें आप आ जाते हैं और इसमें आप आके स्लोप्स के ऊपर आपने जिस तरह बाकी में किए इसके अंदर स्लोप आपने दे देनी है। हम इसका नाम साइड स्लोप इधर क्रिएट कर देते हैं और ये देखें, ये आपको कट का बता रहा है कि कट का कितना। आप इसको भी डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको इधर नीचे पूछेगा कि आपने स्लोप किस टाइप की देनी है। नॉर्मल स्लोप 2:1 की चल रही होती है, बेंचिंग विर्थ और 0, no slope, ये सारा आपको बता रहा है। आपने इसको उसी हिसाब से आपने इसको सिलेक्ट करना है। और ये सबसे पहले एट पीटी कोड आउट मोस्ट पॉइंट, जो सबसे आपका आखिरी पॉइंट जो हमने टिपिकल सेक्शन में बनाया था उसके ऊपर ये आपको इसको क्लियर करेगा।
इसको देखें कर देते हैं, ये हमारी इधर स्लोप चेंज होगी, ये भी फिल की कट की, और ये फिल की अभी हमारे पास वही थ्री इन वन की चाह रही है। इसको हम दोबारा सेलेक्ट करके इधर से इसको टू इन वन के ऊपर इसको एडजस्ट कर देते हैं, और पीटी कोड आपका एट मोस्ट पॉइंट उस पर आपका ये सिलेक्ट हो जाता है। अगर देखें फिल डिचेज वगैरह अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें बना लें, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इधर से आप ओके कर लें, ये देखें हमारे पास इधर से डिफाइन हो गई, और ये उसकी सेटिंग है, स्लोप की सेटिंग टू इन वन, कट एंड फिल की स्लोप की सेटिंग टू इन वन, बाकी ये इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। और इधर से हमने उसको अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, क्लोज। देखें अभी इसके बाद हमारे पास अगला कॉलम आ जाता है एडिट डिज़ाइन लोकेशंस। इस कॉलम के अंदर हम जिस टाइम डिज़ाइन लोकेशंस को अपने सेट कर देंगे तो वो प्लान और प्रोफाइल्स की, तो वो उसके मुताबिक वो सारे उसका प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। ये देखें अभी ये हमारे पास है स्टेशन डेटा अलाइनमेंट प्रोफाइल 00 से लेके 1+6 टू 6.778 तक, और प्रोफाइल जो हमारे पास बनी हुई है वो 0+00 से लेके 1+6 टू 6.778 तक, और क्रॉस सेक्शन जो हमने जनरेट किए थे उसके NSL वो भी सेम टू सेम RD के ऊपर है। तो हम इधर से स्टेशन जो हम बनाना चाहते हैं वो 00 से ले लेंगे। टिपिकल सेक्शन चूँकि हमने इधर एक ही बनाया है तो ए है, और इसको हम ओके कर देंगे। बाकी इसमें ये ऑप्शन है कि ट्रांजिशन वगैरह जिधर से आप इसका क्रॉस सेक्शंस की स्लोप्स और उसका टिपिकल चेंज हो रहा है, जैसे आप उसकी ट्रांजिशन दे के और उसको आप चेंज कर सकते हैं। चूँकि हमने इधर एक ही टिपिकल सेक्शन बनाया है तो हमें इसके लिए ट्रांजिशन की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इधर से अप्लाई कर देंगे, और ये देखें ये हमारे पास स्टेशन और टिपिकल सेक्शन ए और ट्रांजेक्शन के बारे में इसको वो बता रहा है कि इसकी ट्रांजेक्शन 00 है। इसके बाद ये नीचे इसका ऑप्शन आएगा कोऑर्डिनेशन टेबल एंड लोकेशंस का, इसको भी आप इधर से डिफाइन करके बना लें इसको, और इसी तरह इसका भी स्टेशन 00 या आपकी जो क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो स्लोप वाला हमने टेबल बनाया है उसके ऊपर ये आपको पूछेगा। ठीक है, हमने स्लाइड साइड स्लोप वाला टेबल बनाया था और 00 लोकेशन इसके अंदर है, इसको भी हम अप्लाई कर देते हैं। ये देखें ये दोनों कॉलम हमारे अभी इधर फिल हो चुके हैं। उसके लिए आपको मैं स्लोप का बता दूँ, दोबारा देख लेते हैं इसको, ये स्लोप। अभी इसके बाद आखिरी ऑप्शन आपके पास आ जाता है रन डिज़ाइन का, सब ये एसोसिएट अलाइनमेंट प्रोफाइल्स अलाइनमेंट डॉट सेलेक्ट NSL स्लोप अप्लाई। ये देखें ये हमारे पास आ गया, इसकी अलाइनमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है कि इसमें प्रोफाइल्स और स्लोप के बारे में ये पूरी डिटेल है। इसके बाद हम आने के बाद ये सबसे आखिरी ऑप्शन है इसका रन डिज़ाइन, इसको हम रन डिज़ाइन कर देते हैं। ये हमसे लोकेशन पूछ रहा है, ये आया कि जो आपने बनाए हैं वो कंप्लीट यही RD है या आप इसको आप चेंज करना चाहते हैं। हम इसमें जिस RD तक हमें क्रॉस सेक्शन हमने बनाने हैं वो हम इसको इधर से दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट से लेकर एंड तक बनाएंगे उसको हम रन डिज़ाइन कर देते हैं। ये देखें इसने डिज़ाइन रन कर दिया, और ये इसने हमें इसका बता दिया है कि ये आपका क्लियर हो चुका है। जैसे हम क्लियर पे क्लियर कर देते हैं इसको, और एडिट डेटा के अंदर आ जाते हैं क्रॉस सेक्शंस के। ये देखें ये इसके ऊपर हमारे पास ऊपर प्रोफाइल भी लग गई है, और नीचे इसके दोनों कॉलम्स हमारे डिज़ाइन ओरिजिनल NSL और डिज़ाइन उसके ऊपर, ये दोनों चीज़ें हमारे पास इधर से फिल हो चुकी हैं। ये पूरा इसका डिटेल, और ये देखें ये 00 से 10 मीटर के ऊपर हमने टिपिकल बनाया था, और उसके आगे हमारी लास्ट पे हमारा कैच पॉइंट टो पॉइंट जैसे आम जुबान में कहा जाता है वो उसने बना के और उसको इधर से कंप्लीट कर दिए। ये देखें इधर से ये सारा हम देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल वर्किंग। ये थोड़ा सा इसको हम आ जाते हैं, ये देखें जो हमने पहले चेक किया था उसके अंदर हमारे पास सिर्फ NSL था। अब इसमें पूरी ड्रा करके लाइन ड्रा ला के, और ये पूरा सेक्शन आपका डिज़ाइन और NSL समेत आपका ये इधर से कम्प्लीट हो चुका है। हमारा डिज़ाइन प्रोसेस इधर से जो भी था वो हमारा इधर से हमने कम्प्लीट कर लिया। ये आप देख लें कि ये एंड तक ये पूरे क्रॉस सेक्शंस हैं, ये प्रोफाइल के हिसाब से हम ये प्रोफाइल को भी चेक कर लेते। ये देखें जैसे आप इसके एलिवेशन भी चेक कर सकते हैं, क्या आपके पास एलिवेशन आ रहे हैं 00 डिस्टेंस और 204.509 का
का, क्रॉस सेक्शंस का, लेवल्स और बाकी चीज़ें। आगे चलते हैं, सब आखिर में भी हमारा सारा जैसे प्रोसेस जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। क्रॉस सेक्शन इंपोर्ट का प्रोफाइल हमने पहले बनी हुई थी, टिपिकल का सेक्शन और उसका प्रोसेस, और सबसे आखिर में आके इसका प्रिंट आउट। ये क्रॉस सेक्शन शीट्स हैं, इसके मुताबिक आप उसमें क्लिक कर लें। तरीकाकार वही है जो प्लान प्रोफाइल के अंदर था बनाने का। इसके अंदर हम इसकी सेटिंग को चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये सेटिंग को आप जाएंगे तो उसके अंदर ये आपका पूरा आपको बता देगा कि आप क्रॉस सेक्शन की क्या सेटिंग है और क्या सिस्टम, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मैं एक बनाता हूँ आपके सामने, फिर इसकी सेटिंग हम करेंगे ताकि हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम जो आ रही है वो एक दफ़ा बना कर देख लें। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम सारे नहीं ड्रा करते, या चलें ये देख लें, ये आपके सामने ही, मैं ओके करता हूँ। और ये आपको क्रॉस सेक्शंस इधर से वो सारे एक ही टाइम पे सारे वो बना देगा आपको। ये देखें, हमारे जस्ट 10 से 15 मिनट लगे और उसके अंदर इसने हमें पूरी चीज़ें और पूरी डिटेल के साथ इसने बना दी हैं। इसको मैं अलग अलग आपने सिंगल बनाना है या बाकी चीज़ें चेंज करनी है उसके बारे में बता देता हूँ मैं, और इसकी सेटिंग के बारे में भी आपको इसके बारे में। ये देखें, इधर कट स्लोप हमारी और सारा कुछ हमारा आया हुआ है। इसके अंदर भी थोड़ी बहुत ही हमें एडिशनल सेटिंग करनी पड़ती है सारी लेवल्स की, वो मैं आपको सेटिंग इधर से मैं आपको कर देता हूँ, लेवल्स की सेटिंग वगैरह जो बाकी आप इसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर स्टेशन ओरिजिनल एलिवेशंस और डिज़ाइन एलिवेशन और डिज़ाइन अर्थवर्क की फिल और कट का एरिया भी आपके सामने आ रहा है, और आखिर में आपको ये क्वान्टिटी भी उसकी बता रहा है सारे क्रॉस सेक्शंस के अंदर। हम इसमें आउटपुट में आके क्रॉस सेक्शंस के अंदर ये दूसरी शीट को हम देख लेते हैं। ये देखें, इसने एक ही शीट के ऊपर बना दिए हैं सारे, और इसकी हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, और बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है इसका, और बहुत जल्दी और बहुत ही इजी तरीके के साथ ये चीज़ें हमारी इसमें बन सकती हैं। आए इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना जो यूज़र्स हैं उनके लिए किसी किस्म का प्रॉब्लम इसमें ना आए। उसको हम एक दफ़ा बंद कर देते हैं वैसे। इसका तरीका कार वही है, अगर आपने दोबारा बनाना है तो उसको आप सबको आप इधर से डिलीट कर दें, तो दोबारा एडिट सेटिंग में चले जाएं। इसका रेड स्पेसिंग है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आप इसकी वन कर दें, वर्टिकल भी वन कर दें इसकी, और हॉरिजॉन्टल स्केल आपको 0.20 का आ, आप इसको वन कर दें, और वर्टिकल स्केल भी आप इसका वन कर दें ताकि 1:1 के ऊपर आपका ये आपको ये वर्किंग करके ये आपको दे। ये इधर से क्लियर कर देते हैं। उसके बाद ये शीट सेटिंग है कि सारी नंबर ऑफ कॉलम्स आप एक कर दें, और एरिया हाइट इधर से आपकी है, आप इसको उसके सेटिंग के हिसाब से आप इसको इजीली इधर से इसकी सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाए दूसरे नंबर पर, कैट सेटिंग का कॉलम आएगा, इसको आप एडजस्ट कर लें। ये आप इसके लेवल्स हैं, इसके बारे में आप इसका कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, डिज़ाइन एफ एल हैवी ग्रेड लाइन्स इधर कंटिन्यूस की जा रही है, आप इसको इधर से डॉट दे सकते हैं, और फाइन ग्रेड्स को भी आप इधर से चेंज करके आप इसको डॉट कर सकते हैं ताकि वो किसी किस्म की प्रॉब्लम्स वगैरह जो हैं वो आ रही है। सर्कल का कलर है ऐसे ये चेंज कर सकते हैं, एलिवेशंस ये हाइट वगैरह जो है वो आप इधर से आप इसकी चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट है, स्टेशन है, इसको अप्लाई कर देते हैं। दूसरे नंबर पर ऑफसेट एंड एलिवेशंस इंटर कर लें,
ये देखें, ये आपका जो ऑफसेट एलिवेशन हैं उसके बारे में पूछ रहा है कि ये आपका कौन सा जाएगा। इसमें आप एक और अभी वो देख रहे थे, आपने देखा होगा कि उसमें वो कामे के साथ आ रहा था, हम स्टॉक इसको कर देते हैं ताकि ये ऊपर नीचे इसके एलिवेशन सारे आ जाएँ, राइट साइड के भी और लेफ्ट साइड के भी। इसको हम क्लिक कर देते हैं, इधर क्लोज़ कर दिया हमने। इसके बाद आ जाएँ स्लोप एनोटेशन के बारे में, कैटविट स्लोप के बारे में आपसे डिटेल पूछ रहा है। बहुत साइड पे आप ये इसको ड्रा कराना चाहते हैं तो करवाएं, नहीं इसको आप जैसे क्लोज कर दें। इसी तरह रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन आप सेंटर लाइन को कितना आगे पीछे इसको यूज़ करना चाहते हैं और सेटिंग इसकी करना चाहते हैं। इसके बाद ये टेक्स्ट सेटिंग है इसकी, आप टेक्स्ट सेटिंग को जो आपको चीज़ चाहिए वो ले लें, जो नहीं है जरूरत तो उसको आप नो नो कर दें। देखें जैसे कि ये अर्थवर्क फिल एरिया नो नो मैंने किए हैं, कट एरिया एक्चुअल सबको अगर मैं यस कर दूं तो सारे उससे प्लाट कर देगा, नो करूंगा तो, क्योंकि उसमें एक्सेल हमारे पास काम अलहदा चलता है उसका, क्वांटिटी का एक क्रॉस सेक्शन के अंदर हम उसको नहीं ड्रा करते। तो इसके अंदर आप एक टेबल और बना लें ताकि आपको किसी किस्म की लेबल्स आप उसका आप जो देना चाहते हैं आप उसका दे दें। बोथ साइड क्लोज। अभी हम दोबारा आते हैं, देखें 0-0 से लेके हम ज़्यादा नहीं बनाते, हम 0+100 तक के 5 क्रॉस सेक्शन बना देते हैं। ये देखें इसकी सेटिंग वगैरह, अभी हमने उसको चेंज किया था उसके हिसाब से अभी इसकी हम सेटिंग को इससे हम चेंज कर देंगे। इसमें हम लेवल एलिवेशन का देख लेते हैं कि हमें कट ये अपने नई नाइथ इसको हम ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें उसके अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसके हम 800 को हम 350 बल्कि 540 और 540 के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इधर भी इसकी थोड़ी सी इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने में, वो आप अपने वर्किंग के हिसाब से इसमें थोड़ा सा आप जब काम करेंगे तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। बेसिकली फॉर्मेट आपके सामने आ गया है सारी चीज़ों का। ये देखें इधर से हमने इसकी हाइट काम की थी 40 से इसको 140 पे, इस तरीके से आपने इसको एडजस्टमेंट आपके जिधर क्रॉस सेक्शन आपका एडजस्ट हो जाता है अगर उसको आपने इधर आके एडजस्ट कर देना है। देखें हम सेटिंग करते करते ले आए हैं इसकी, थोड़ी सी सेटिंग इसकी रह गई, हमने वो उधर से डॉट में चेंज की थी और ये इधर से इसके डॉट वो दे रहा है। बाकी इसकी मज़ीद सेटिंग हम थोड़ी सी कर देते हैं। हाइट तो इसकी ठीक है, लेंथ इसकी हम 200 कर देते हैं। दो क्रॉस सेक्शन हम ड्रा करते हैं क्योंकि सारे ड्रा करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। ये देख रहे हैं आप आसान आसान इसकी सेटिंग कम्प्लीट हो रही है।
ये देखें अभी इसमें ये मसला है कि इसमें हमारा टैक्स अभी काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम टैक्स को इधर से हम इसके एडजस्टमेंट कर देते हैं स्केल के हिसाब से, क्योंकि तो हमने स्केल रखा है 1:1 का। आ जाता है अगर ग्राम 0.5, इसको हम 2 पे ले जाते हैं सर्कल को, और टैक्स एलिवेशंस को हम 0.75, ये जो साइड पे एलिवेशन आ रहे हैं आपके आपको नज़र आ रहे होंगे डाटा एलिवेशन, स्टेशन 1, सेंट्रल एलिवेशन भी हम 1 पे कर देते हैं इसका 1, स्लोप्स 0.5 एंड एडिशन ऑफ एलिवेशन 0.5 परसेंट लाइन को सरफेस लेवल। ओके इसको हम अभी दोबारा चेक करते हैं इधर से, एक क्रॉस सेक्शन इसका बनाते हैं। ये देखें इसने हमारी सेटिंग हो गई है, मजीद अब इसकी सेटिंग हम इधर से इसको कर देते हैं, शीट सेटिंग में जाके एंड 160-140 रेशियो रखते हैं इसको, क्योंकि टैक्स के हिसाब से ही इसने सारा कुछ आपको इसमें एक दफ़ा की आपकी वर्किंग रहेगी, और उसके बाद आप जब इसकी आप सेटिंग कर लेंगे तो वो इजीली इसको वो क्लियर कर देगा आपको। ये देखें ये इसने मैक्सिमम हद तक हमारा ये टास्क सेक्शन अभी सेट हो गया, अगर इसको हम अभी और ड्रा कर लेते हैं इसके अंदर कोई और सेक्शंस को ले लेते हैं, हम 100 वाला ले लेते हैं 100 और 100। ये देखें ये हमारा अभी सेट हो गया, अभी इसमें हमारा ये ओरिजिन सरफेस को हमने इधर से इसको रेफरल्स वगैरह के एन एस इसको भी हमें सेटिंग इसके सीट सेटिंग को हम इधर से चेंज करते हैं, उसके एलिवेशन भी ज़्यादा आ रहे हैं, हाइट ये 2.5 जो इसको भी हम 0.75 एलिवेशन 0.75 ओरिजिनल डिज़ाइन प्रोफाइल्स की ज़रूरत नहीं है। लाइन को हम 0.25 सरफेस लेवल को हम निकाल देते हैं, इसके बाद हम दोबारा आपको चेक करते हैं इधर से 100 into 100। ये देखें ये हमारी सेटिंग काफ़ी हद तक इसकी अब तक कंप्लीट हो गई है, इसमें अभी एलिवेशन हमें सिर्फ PGLs के दे रहा है जो कि हमने अभी ड्रा किए हैं, NSLs के अभी तक हमारे पास उसके एलिवेशन नहीं आए हैं, उसके भी उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहा है, ऑफसेट एलिवेशन एंड इंटरवल 0:0। ओके करते हैं बोथ साइड्स अबव शॉकेट एलिवेशन,
इसकी सेटिंग हम चेक कर देते हैं कि हमारी किधर तक पहुंची है सेटिंग। ये देखें अभी इसने हमें, आप देख रहे हैं कि लेवल्स काफ़ी सारे इसने हमें दे दिए, NSLs के भी लेवल आ गए हमारे पास और अभी FRL के लेवल भी आ गए। इसमें हमने दोनों अबव किए हैं, इसके अंदर हम जाके इसकी सेटिंग के अंदर जाके हम इसके NSLs की सेटिंग को चेंज कर लेते हैं। वो साइड रेफर अलाइनमेंट ठीक हो गया, ये ऑफसेट एंड एलिवेशंस के अंदर ये बहुत साइड एलिवेशंस हैं, इसको हम इधर से अबव आएगा तो इसको हम बिलो में ले जाते हैं, बिलो और ये बिलो ओके कर देते हैं। रोज वन प्लस जीरो जीरो वाला क्रॉस सेक्शंस ये देखें, ये हमारी तकरीबन इधर सेटिंग कंप्लीट हो गई सारी मुकम्मल तौर पे। ये क्रॉस सेक्शंस हमने बना लिए, ये देखें नीचे इसकी एलिवेशंस और सारा कुछ। बाकी ये टेक्स्ट वगैरह हैं थोड़े से, इसकी थोड़ी सी वर्किंग आपको इधर से मैनुअल करनी पड़ेगी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि ईजी नज़र आए। ये देखें ये लेवल हमारे पास जो चेंज स्लोप के लेवल्स है वो आपस में हमारे पास मर्ज हो रहे हैं, उसके लिए इसको आप इधर से इसको आप चेंज कर दीजिएगा या जो आपकी सेटिंग है टेक्स वगैरह वो आप छोटा कर दें और ये कंप्लीट ये आपका क्रॉस सेक्शन इस हिसाब में ईगल पॉइंट के अंदर सारे आपके क्रॉस सेक्शंस जो हैं वो ड्रा हो जाएंगे। ये एक सबसे अहम और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था हमारा क्रॉस सेक्शंस का, जिसके अंदर रोड वर्किंग के अंदर जिसकी हमें बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है और ये सबसे ज़्यादा टाइम भी यही चीज़ रोड क्रॉस सेक्शन में उसकी क्वान्टिटीज़ वगैरह लगाती हैं। तो ये आप ये देखें, ये हमने ईगल पॉइंट का टोटल पूरा प्रोजेक्ट बनाया है शुरू से लेकर एंड तक का, और इसके अंदर अगर आप पूरी वर्किंग देखो तो ये मैक्सिमम आपसे एक से दो दिन की वर्किंग बहुत ज़्यादा हद होएगी, तो ये आप बहुत ज़्यादा स्लो काम उसमें आपकी लग जाएगी, इससे ज़्यादा वर्किंग इस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं लगती। तो ये एक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट सा मेथड होता है और इसके अंदर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और इसकी एडिटिंग वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से फाइन हुआ होता है, जिसको कि हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको पूरा कर देते हैं। इसमें भी हम आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं कि इसके मज़ीद जो टेबल्स हैं, ये देखें इसमें ये कैच पॉइंट्स वाले का ऑप्शन है। जब ये आपने क्रॉस सेक्शन वगैरह सारे बना देंगे तो ये आपके क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये आपको कैच पॉइंट्स वगैरह इसके वो बता देगा कि आपका ये रोड्स ये पोर्शन है और ये आपका इतना कैच पॉइंट्स वगैरह जा रहा है। बाकी प्रिंट का वही ऑप्शन, आप प्रिंट देंगे और वो प्रोफाइल उसके अंदर जाके वो ड्रा हो जाएगी और उधर से आप इसको प्रिंट उसका ले सकते हैं जिधर आपने रखा है। देखें ये उन्होंने जैसे प्रिंट दिया है और ये जैसे इसके कैच पॉइंट्स और बाकी चीज़ें इधर इसकी एलिवेशन और कैच पॉइंट्स वो सारे इधर प्रिंट हो गए इसके। ये इसके ऑफ साइड आप दे दें जितने जितने ऑफ साइड के ऊपर आपको चाहिए होंगे, आपको जैसे कैलकुलेट कर दें वैल्यूएशन और डेप्थ के हिसाब से। जीरो जीरो के ऊपर आपका ऑफ साइड के ऊपर आपका ये टॉप का एलिवेशन है और ये आपका बॉटम का एलिवेशन, आप FRL देना चाहते हैं कैलकुलेट कर लें, FRL के ऊपर भी आपका वो जैसे क्लियर कर देगा जिधर आप उसके पास लेवल हैं डेप्थ के हिसाब से वो आ रहा है टोटल सर्फिस वगैरह वो जैसे आपकी आ जाएगी। देखिए क्रॉस सेक्शन इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी कैलकुलेशन करके आपको डेप्थ वगैरह सारा ये इसी तरीके से ये वॉल्यूम शीट आपकी जो आपने जो एरिया बनाया था उसकी टोटल कट एरिया फिल एरिया और कंप्लीट इसकी डिटेल के अंदर इसने आपको बता दिया है कि आपका कितना है, क्या क्रॉस सेक्शंस के ऊपर आपका कितना कितना वॉल्यूम्स और कितनी कितनी क्वान्टिटी कट और फिल्स में और जो कुछ भी है वो आ रही है इसमें। मज़ीद इसके स्टेशंस वगैरह और सेटिंग वगैरह है, बाकी इसका तरीक़ाकार वही है, आप प्रिंट दे दें इसको, प्रिंट ROW वॉल्यूम, प्रिंट मास वॉल्यूम, प्रिंट कस्टम वॉल्यूम और प्रिंट समरी, आपको ये सारा आपके उसी पेज के अंदर हमारे पास जाके ये प्रिंट हमें दे देगा। ये सबसे पहले हमारे पास वो ऊपर वाला ऑप्शन था, ये देखें ये नीचे उसने हमें इसकी सारी डिटेल्स
अर्थवर वॉल्यूम और इसके जो एरिया स्क्वायर फुट एरिया पूरी डिटेल के साथ इसको इसने हमें उधर प्रोवाइड कर दी है। इसका तरीकाकार यही है, आप इसको उधर से कापी कर लें, कापी करके आप एक्सेल के अंदर उसको पेस्ट करके और अपना काम सारा इजी तरीके के साथ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट आज का भी है, क्रॉस सेक्शंस का रोड कैल्क तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर के हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें हमें किसी किस्म का और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। और ये देखें, ये कैच पिट का आप ऑप्शन है, आप देंगे तो आपकी क्वांटिटी के हिसाब से जो आपके टो पॉइंट्स जा रहे हैं इसके अंदर, ये कैच पॉइंट के अंदर, उसके अंदर ये आपको ब्रेक लेंस रिफिल, ये कैच कैच लेंस के अंदर आज आप करेंगे तो ये आपको अपने एरिया के हिसाब से आपको कैच लाइन दे देगा कि आपका जो फिर एरिया और NSLs के हिसाब से जो आपने पहली NGC लेयर बनानी है वो किधर तक बनेगी आपकी, वो उस हिसाब में आप इधर से लेके और इधर से आपकी वर्किंग इन से लेंस के हिसाब से आपकी वर्किंग इधर से स्टार्ट होगी। ये 3D फेस मैं आपको दिखाता हूँ उसका, ये देखे ये कट फिल के हिसाब से इसने आपको वो बता दिया है 3D फेस वगैरह का, कि ये आपका इधर से इतना जाएगा। इसका हम व्यू देख लेते हैं, ये देखें ये आपका पूरा एक डिज़ाइन के हिसाब से, सरफेस रोड के हिसाब से ये आपका पूरा एक सिस्टम है। लेवल्स का जो सूरत हाल थी या जो जिस किस्म का आपका वो प्रॉब्लम्स जा रहे थे वो सारे इसने इसमें आपको बता दिए, या आपकी कैच लाइंस हैं या आपके एलिवेशंस हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका इसका है, तो आप हमारे साथ रहिए, हम आपको काफ़ी सारी मज़ीद चीज़ों के बारे में बताएंगे। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें। शुक्रिया।